ये अस्सलाम वालेकुम, ये मैं अल जिद्दा पार्क आया हूँ। ये अल जिद्दा पार्क है ये जो है ये सारा स्केटिंग का है सारा। और बहुत ज़बरदस्त पार्क बनाया है, बहुत बड़ा पार्क है ये। डेवलपर है आई थिंक अलदार करके, तो वो लोग बना रहे हैं ये। तो ये सारा पार्क है, ये देख रहे हैं आप। सारा पार्क को पानी देने के लिए उन्होंने खोल दिया है अभी। तो मैं यहाँ पे वॉक करके मैं आपको जो है यहाँ पे जो है चीज़ें दिखाता रहूँगा जो भी रास्ते में आ रही हैं। ये अलजद्दा पार्क है, अलजद्दा से दिखता है ये। जद्दा वालों ने, कोई डेवलपर है उन्होंने बनाया है। और ये वैसे प्रॉपर्टी डेवलपर है अलदार, अलदार मुझे सही तरीके करके मैं बोल नहीं पा रहा, तो उन्होंने बनाया था ये। तो ये देखिए सारा, ये सारा है ये देखिए क्या बोले, सूरज में बड़ा जबरदस्त व्यू आ रहा है। ये जैसे सिटिंग एरिया बनाया हुआ उन्होंने। अच्छा, ये एक फूड कोर्ट का टाइप पे बनाया हुआ है यहाँ पे ना, फूड कोर्ट बनाया हुआ है यहाँ पे उन्होंने। आप खाना वाना खा सकते हैं इस एरिया में। वो पार्किंग भी और फूड कोर्ट भी यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इस तरीके से है, इस तरीके से ये मेन ऑफिस है यहाँ का। वो फूड कोर्ट है, पार्किंग एरिया और फूड कोर्ट है। वहाँ पे मेन रोड है उस एरिया में, वो मेन रोड है वहाँ पे। तो इस तरीके से उन्होंने शिप बनाई हुई है। ये देखिए सारा पार्क का एरिया, अच्छा पार्क बना है। बच्चों को खेलने की जगह बनाएंगे, देखिए बच्चों को खेलने की जगह, बच्चे इंजॉय करें। ये मेन ऑफिस है इनका, वो सारा अंदर उन्होंने मैप बनाया हुआ है डेवलपिंग का। ये क्या मैप है, किस तरीके से डेवलप करना है इस एरिया को, तो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करना। और ये शिप है, ये देखिए ये नाम लिखा हुआ अल जिद्दा, ये है वैसे अल जिद्दा। ये क्या है अल जिद्दा लिखा हुआ, तो ये इनका मेन ऑफिस है। यहाँ पे सारे इन्होंने वो बनाए हुए डेवलपर, और ये पीछे पार्क बनाए हुए उन्होंने, बच्चों के खेलने की जगह भी बनाई हुई है, बच्चे आके खेल सकें, सब कुछ खेल काम कर सकें। ये वॉशरूम बनाए हुए टॉयलेट्स हैं, तो इस तरीके से बनाया हुआ। ये देखिए सूरज में ज़बरदस्त मंजर पेश कर रहा है। ये देखिए ये है भी, तो सुबह सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं सुबह के, लोग तो कम हो गए। उस साइड पे ग्राउंड भी लग रहा है मेरे को, उस साइड पे जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। मकड़ी के जाले आके मुँह बिछ पड़े, तो इस तरीके से बनाया। लोग स्केटिंग भी कर सकते हैं, स्केटिंग का एरिया ही, लोग स्केटिंग कर जाले चिपक रहे हैं, क्योंकि एरिया ऐसा सा ये स्केटिंग का एरिया। आप लोग चाहें तो स्केटिंग करें।
तो बस ये इन्होंने वहाँ उसने मुझे मना कर दिया कि यार यहाँ पे ना वीडियो बनाना अलाउ नहीं है उस एरिए में, तो उसने मना कर दिया। तो मैंने फिर वो छोड़ के ना मैं आगे जाके इधर आगे बना रहा हूँ वीडियो। तो ये देखें इस तरीके से इन्होंने टेनिस कोर्ट बनाए हुए हैं यहाँ पे ना खेलने के लिए। तो वो पीछे जो था वो पार्क था, और ये जो एरिया है ये फिटनेस का एरिया आ गया, ये जिम है यहाँ पे पहले वेल फिट का, और ये यहाँ पे प्लेइंग एरिया बनाया वेबसाइट नहीं कर, ये सारा जिम आ गया वेल फिट। और ये फिर बच्चों के झूले वूले हैं यहाँ पे, और वो बाउंस है वहाँ पे जंपिंग करने के लिए, पार्किंग के बिल्कुल साथ ही है। तो वो सारा वो स्केटिंग का था पूरा प्लेस, वो पूरा स्केटिंग का था। और ये जो है ये भी बच्चों खेलने का है, वो जिम बनाया है उन्होंने, ये बाउंस बनाया है बच्चों के लिए, क्योंकि वो भी लोग आए ना, पेरेंट्स आए प्रॉपर्टी परचेज़ करने पर, उनको डिस्टर्बेंस ना हो, तो बच्चों को यहाँ पे छोड़ दिया और ख़ुद प्रॉपर्टी परचेज़ करने चले गए। तो इस तरीके से है, तो ये इस तरीके से पूरा पार्क बनाया, इतना बड़ा पार्क नहीं है ये, बच्चों ने कर इतना बड़ा पार्क नहीं है, बस इन्होंने डेवलपर ने उनके एंटरटेनमेंट के लिए बनाया, जो परचेजिंग करने आएंगे ना पेरेंट्स, उनके एंटरटेनमेंट के लिए बनाया भाई। तो बहुत बड़ा पार्क नहीं है, सामने ये इनकी प्रॉपर्टी आ गई अलजदा वालों की। ये प्रोजेक्ट का नाम अलजदा है, और यार साइकिल भी लगी हुई है, पता नहीं कैसी वो पेड़ हो क्या है, जाके उसके बारे में भी साइकिल के बारे में भी पढ़ते हैं, मिलती है तो साइकिल में ग्राउंड मार जाएंगे, अगर फ्री में मिलती है शुरू में ना इनिशियल में। इसे सारा ही अंदर बनाया हुआ इन्होंने, और सब डेवलप हो रहा है, अभी कुछ टाइम बाद ये सारा आबाद हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये डेवलपिंग एरिया बना रहे हैं, ये सब आबाद हो जाएगा। तो फिर आप को यहाँ स्पेस नहीं मिलेगी ट्रैवल करने की, बहुत अच्छा बना है, देखें इस साइड पे देखें इस साइड पे देखें, बड़ा ज़बरदस्त बना है। तो मैं ये गाड़ी देखता हूँ साइकिल कैसे निकालनी है, उसके बाद मैं आपको फिर बताता हूँ। ये अलजदा का जो डेवलपर है अरारा है, तो मैं इधर ही वॉक कर रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त वॉकिंग एरिया बनाया हुआ उन्होंने, साथ में रोड है तो आप आराम से वॉक कर सकते हैं यहाँ पे, साथ में रेजिडेंसी है उस साइड पे। तो पीछे पार्क था, वो जो डेवलपर ने पार्क बनाया हुआ, तो भाई ये वॉक करके मैं चेक करता हूँ कहाँ तक जाता है ये ग्राउंड मार के, फिर वापस आ जाएंगे। इस तरीके से बनाया यहाँ पे लिखा हुआ, ये फिटनेस है वेल फिट, और वो अलजदा लिखा हुआ है, वो बंद किया हुआ, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होगी। तो ये है सारा, तो आगे डेवलपमेंट चल रही है बहुत तेज़ी से, तो बस मैं राउंड मार के वापस आया था। अराडा का है ये, अराडा बना रहा है, तो इस तरीके से ये सारा। तो मैं आपको ये वीडियो बना के, अच्छा उस साइड में मुझे कुछ दिख रहा है, इस साइड में तो मुझे नहीं दिख रहा कुछ, उस साइड दिख रहा है, उस साइड में चेक करके आपको बताता हूँ। मेंस का जिम बनाया हुआ है, ये कुछ इन्होंने ब्रिज टाइप का भी बनाया हुआ है, तो आप देखेंगे ना कुछ नीचे अंडरग्राउंड मेंस का जिम है, ये रेजिडेंसी के बीच में बनाया हुआ है। तो अभी आगे जाके देखते हैं आगे क्या चीज़ है। तो जिम ही है बस अंडरग्राउंड, तो रास्ते बनाए हुए बस, ये आगे रेजिडेंसी है असल में, ये क्या चीज़ है, ये कुछ लग रहा है अंदर जिम टाइप का ही है कुछ अंदर, और तो कुछ नहीं होगा, जिम टाइप का ही है। चलें ठीक है, बस फिर मैं ना वापस जाके ना फिर मैं कुछ वापस जाके फिर आपको बनाता हूँ कुछ वीडियो, यहाँ तो कुछ पता नहीं है, रेजिडेंसी एरिया है ठीक है। इतनी ज़बरदस्त स्ट्रीट बनाई हुई इन्होंने यार, हाँ बस अब आराम से बंदा आए स्ट्रीट को देख के चला जाए।
जबरदस्त दिखेंगे चीज, जबरदस्त स्ट्रीट लग रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आप दुबई में हो ही नहीं, किसी और जगह पे घूम रहे हैं। लेकिन यह है यूएई, दुबई तो नहीं है, शारजा ही है, यूएई है शारजा के लिए। लेकिन इतनी ज़बरदस्त इन्होंने ट्रीज और ये स्ट्रीट बनाई नहीं है कि वो आपको पता ही नहीं चला। अच्छी डॉल में की हुई अच्छी, ये देखें क्या बात, शारजा इतना ग्रीन एरिया बना के रखा उन्होंने, तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। वेदर तो स्टिल हॉट है लेकिन ग्रीनरी देखेंगे इतनी ज़बरदस्त ग्रीनरी उन्होंने बना के रखी हुई है सही दिखने। तो ये अलजादा है, अलजादा का एरिया का नाम अरादा है, अरादा। तो इस तरीके से बनाया हुआ है अभी, एंजॉय करें। देखिए सिटिंग एरिया से बनाया हुआ है, साथ में रेस्टोरेंट्स हैं, फाइव गाइस, स्टारबक्स, सारे रेस्टोरेंट बनाए हुए। रेजिडेंसी भी ऊपर आ गई है, अल्टीरा रोड नेक्स्ट विजिटर पार्किंग मदार। तो बस ये इतनी है, यहाँ से हम लोग वापस कर लेते हैं, पानी निकल रहा बड़े ख़तरनाक तरीके से, हमारे ऊपर ही ना गिरा दे, स्पिनिश भी है। तो बस यहाँ से वापस जूड़न लेके निकलते हैं। तो ये मेन रोड है, ये मेन रोड वो राउंड अबाउट है, कोस्टा भी है वहाँ पे, और भी जो चीज़ें हैं। तो ये भी जगह बनाई हुई, सब अंडर डेवलपमेंट है, अरादा लिखा हुआ है और ये अंडर डेवलपमेंट है, कुछ ना कुछ बनाएंगे यहाँ पे। तो अभी तो ऐसे ही है, ठीक है। तो अभी देखें आगे जाके फिर कुछ मिलता है तो मैं फिर और बना देता हूँ, बाकी तो यही है सारा। इसी तरीके से उन्होंने मेन पार्क वही था जो मैंने आपको पहले दिखाया ना, वो मेन पार्क था, बाकी ये तो नॉर्मल है सारा। ये बच्चों को खेलने का एरिया सारा, तो मैं ही बैठ के खेल सकता हूँ इस स्लाइड से बच्चों को, और ये सारे बच्चों को खेले नहीं। वो झूला टूटा हुआ बंद हो गया, वो वहाँ पे स्केट कर सकते हैं, पूरा इस तरीके से बनाया पूरा कवर करके, धूप ना लगे बच्चों को, बच्चों धूप लगे सर पूरा कवर करके इन्होंने बनाया है। बाकी ये है क्या आप देख सकते हैं इस तरीके से बना है, ये रखा हुआ इन्होंने। तो जबरदस्त पार्क है, आप देखें एकदम लच ग्रीन ग्रास है, आएंगे अब इंजॉय करें घूमे फिर। और बाहर में लिखा हुआ भी है अलजना पवेलियन, अलजना पवेलियन है ये। ठीक है, ये फूड कोर्ट बनाया है थोड़ा थोड़ा,